नमस्कार, मेरा नाम कशिश सुरेश सिंह है। मैं SB फिर के विद्यालय की विद्यार्थी हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हर एक व्यक्ति के जीवन में उनका कोई ना कोई आदर्श तो होता है, जैसे उनके माता पिता, लेखक, शिक्षक, भगवान और बहुत लोग होते हैं जिन्हें वह अपना आदर्श मानते हैं। मेरे जीवन में मेरे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है। आज मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी उनके बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पारिक जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम था, जो जनसाधारण के वैज्ञानिक और मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रिटिश भारत के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी रामनंद जिले के रामेश्वरम 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ। वे बड़े महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के 11वें वर्ष 2002 से 2007 तक देश की सेवा की और राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह अपने नागरिक जीवन में लेखक, शिक्षा और से लोग की सेवा में लौट आए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इसरो और DRDO के विभिन्न मुख्य पदों पर अपनी सेवा प्रदान की और उसके बाद भारत के कैबिनेट मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी समय के बहुत पाबंद थे। वह अपना सारा कार्य समय पे करते थे। आजकल के युवाओं को उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी जीवन में बहुत सारी समस्या आई तो भी वह उन समस्याओं से पीछे नहीं हटे और वह आगे बढ़ते गए और वह वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। वह हमारे बीच ना होने के बावजूद उनके सोच और विचार उनके होने का एहसास दिलाते। मैं भी उनकी तरह देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए वह मेरे आदर्श है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी सबकी मदद करते थे। वह यह नहीं देखते थे कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। वह सबको एक समान मानते थे। आज वह लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। वह भारत के आन बान और शान थे। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा हृदय से सत सत नमन। धन्यवाद।